तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आप देख सकते हैं मुझे मिल चुका है लावा Z3। कल मैं जैसा कि अपने कॉलेज गया था, कॉलेज में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्टूडेंट्स के लिए एक स्मार्टफोन वितरण योजना के अंतर्गत मुझे ये फ़ोन मिला है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है इसमें। इधर कैमरा मैन, इधर इसमें पहले तो देखने को मिल जाता है सबसे पहले लावा Z3 लियो Z93P और उसके बाद फ़ोन का लोगो बना हुआ है। फिर इसमें देखने को मिल जाता है MediaTek का हेलियो प्रोसेसर और 8 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, साथ में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और फिंगरप्रिंट स्कैनर फेस अनलॉक के साथ हमें मिल जाता है और एक 6.5 इंच की IPS HD प्लस बिग स्क्रीन देखने को मिल जाती है जो नॉच डिस्प्ले पे बनाई गई है और साथ में एंड्रॉयड 11 विथ कॉल रिकॉर्डिंग फीचर्स के साथ देखने को मिल जाता है। और बाकी तो डिटेल्स देख सकते हैं, मेड इन इंडिया के फ़ोन बनाए गए हैं, सारे इंडिया में ही है और एक QR कोड है। चलो करते हैं अनबॉक्सिंग। देखिए सबसे पहले ऊपर मिल जाता है एक बैक कवर है, इसके अंदर रैप में पैक हुआ है ये रहा बैक कवर। इसको साइड में रख देते हैं पहले और फिर देखने को मिल जाता है हमें हमारा स्मार्टफोन। काफ़ी स्लिम है जो कि पास में और कैमरा मैन काफ़ी स्लिम है और ये फ़ोन के बाद हमको देखने को मिल जाएगा एक चार्जर जो कि काफ़ी छोटा है साइज में और लावा का लोगो, ओरिजिनल चार्जर है खैर, और साथ में सी टाइप का एक केबल भी मिल जाता है, चार्जिंग केबल, और इसके साथ एक सिम इजेक्टर टूल भी अंदर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं अंदर लगा हुआ है सिम इजेक्टर टूल, ये रहा सिम इजेक्टर टूल भी मिल जाता है और बाकी तो कुछ है नहीं, लगता तो ऐसा ही है। हाँ, और कुछ तो है नहीं, इसकी गाइडलाइंस की किताबें भी नहीं है। तो चलिए करते हैं अपने फोन को ऑन और देखते हैं कैसा है क्या है। इसको साइड पे रख देते हैं फिलहाल। आइए व्यू दिखाते हैं फोन का आपको। जरा को खोलने के लिए यहाँ से चिपका हुआ है, ये देखिए ये आ जाता है फोन। बढ़िया स्क्रीन है, बढ़िया स्क्रीन दिख रही है। देखिए आप लोग व्यू देखिए फोन का, डुअल कैमरा है पीछे, एक फ्लैश है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, साइड में पावर बटन, वॉल्यूम अप डाउन बटन, यहाँ पे जैसा कि सिम टूल किट होती है और स्पीकर इसका बैक साइड पे दिया हुआ है और नीचे एक ऑडियो जैक है और एक माइक और सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट। तो चलिए फिलहाल करते हैं इसको ऑन। जब तक खुल रहा है पुश कर देते हैं। तो खुल रहा है ये उत्तर प्रदेश सरकार। तो देखिए कि खुल चुका है इतना। उधर से बोरी हो रही।
चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। तो इसमें वाईफाई कनेक्ट करवाने के लिए पासवर्ड डाल दें। कर दिया, खुल रहा है ऑटोमेटिक। नेट खोला तो ये इतना खुल चुका है, अभी नेक्स्ट करते हैं क्या होता है। वेट कर लेते हैं, मैं पुश कर रहा हूँ जब तक ये हो रहा है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आ गए हैं डायरेक्ट, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। आगे करते हैं। दिस डिवाइस इज नॉट प्राइवेट। नेक्स्ट। ये भाई ये आ गई सोटी मोबी कंट्रोल, ये सिक्योरिटी है भाई होगी सरकार की तरफ से। ऑटोमेटिक खुल गया भाई, कुछ भी डालना नहीं पड़ा, अपने आप खुल गया है। देखते हैं इसकी सेटिंग्स। लावा Z3 UP नाम दिया गया है इसको। एंड्रॉइड 11 इसमें वर्जन डला हुआ है, देख सकते हैं।